ड्रामा सीरियल इंतकाम की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सबा बेगम अपनी बेटी का ये अंजाम देखने के बाद आखिरकार उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है तो वो मजबूर होकर आरुषा की माँ के पास जाती है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि बाजी प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सुनकर आरुषा की माँ कहती है कि देखिए भाभी जान, आज आपको एहसास हो गया मुझे और क्या चाहिए और मुझसे इस तरह माफी ना मांगे, आप हमारी बड़ी है। जिस पर सबा बेगम कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, जब तक आप मुझे दिल से माफ नहीं करती तो मुझे मौत भी चैन से नहीं आएगी, मुझे रातों को नींद नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ मेरा जमीर मुझे मलामत करता रहता है सारी रात कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। यह सुनते ही साथ आरुषा की माँ कहती है कि जो कुछ हुआ है बस वो सब कुछ आप भूल जाएं, लेकिन जो कुछ मैं आपसे चाहती हूँ तो वो ये है कि आप मेरी बेटी को इज्जत दे और उस घर में हंसी खुशी से उसे अपने घर में रखे। इस पर सबा बेगम कहती है कि मैं इसीलिए तो आई हूँ कि मैं आरुषा को अपने साथ अपने घर ले जाऊँ। जवाब में आरुषा की माँ कहती है कि हाँ, अगर आरुषा मानती है तो तुम उसे लेकर जा सकती हो, वैसे मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। सबा बेगम कहती है कि ठीक है, मुझे मान है कि मेरी बहू जरूर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी और अब तो उस घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है। तो जी दोस्तों, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि सबा बेगम को माफी मिलनी चाहिए या नहीं और आरुषा को उसके साथ वापस जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।